हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. दिस इज़ नीलम. आज हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे. प्लांट्स का बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे कि उसमें जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उनके फंक्शंस हैं, रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है और उनके फीचर्स क्या हैं, प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनके जो भी फीचर्स हैं उन सबको हम लेके चलेंगे. तो पार्ट वन में हम कुछ बेसिक से शुरू करते हैं, उसके साथ साथ फिर हम उसके एडवांस पार्ट को लेंगे. तो शुरू करते हैं प्लांट्स का. तो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको एक पिक्चर शो करके जो है प्लांट्स के बारे में एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ. जैसे कि हमें पता ही है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट. हमें पता है कि दिस पार्ट इज़ कॉल्ड रूट, ओके. दिस पार्ट इज़ कॉल्ड स्टेम, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड ब्रांचेस. ये चीज़ें तो हमें पता ही हैं, लेकिन इनको लेकर चल रहे हैं क्योंकि इससे ही मैं आपको उसका एडवांस पार्ट भी दिखाऊंगी. और ये हम इसको लीफ कहेंगे और लीव्स कहेंगे, लीफ पार्ट है, और ये इसका फ्रूट पार्ट है, ओके. तो फ्रूट के बाद अगर हम थोड़ा सा और अगर इसका लेके चलेंगे तो अगर हम यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये इसका फ्लावर पार्ट है, ओके. क्योंकि फ्रूट से पहले जो पार्ट होता है वो फ्लावर होता है. तो ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं एक प्लांट के. तो अगर हम बात करते हैं अब अलग अलग पार्ट्स की कि उनका क्या फंक्शन है, तो एक प्लांट में जो है जो लीफ होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का. बिकॉज दिस जो लीफ है या जो लीव्स हैं उसे हम कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट. इसको हम क्या कहते हैं, लीफ को या लीव्स को हम कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. इसको हम क्या कहेंगे, किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. क्यों कहते हैं इसे किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, क्योंकि लीफ जो है एक प्लांट के लिए जो है वो खाना बनाता है, ओके. तो जो खाना बनाने का काम है वो किसका है, एक लीफ का है. तो इसीलिए हम इस पार्ट को जो है प्लांट का किचन कहते हैं या उसका फूड फैक्ट्री कहते हैं. अब आपने मोस्टली देखा होगा जो भी हमारे आसपास प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उसमें लीव्स हम देखते हैं उनका कलर जो है ग्रीन होता है. तो ग्रीन कलर क्यों होता है, किस कारण होता है, तो द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज़ ड्यू टू द ग्रीन पिगमेंट. उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है और वो ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, उसका नाम होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ओके. सो ग्रीन कलर इज़ ड्यू टू द ग्रीन पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल. सो क्लोरोफिल जो है एक ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से जो है लीफ का कलर ग्रीन होता है. अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये लीफ जो है खाना बनाता है एक प्लांट के लिए, तो किस तरह से खाना बनाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं इसको. सबसे पहले तो इसको चाहिए होता है सनलाइट, ओके. सनलाइट पहले चाहिए होता है इसको, तो सन्स एनर्जी चाहिए होती है इसको खाना बनाने के लिए. प्लस क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, एयर से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके. प्लस इसको वाटर चाहिए होता है, तो वो वाटर ये कहाँ से लेता है, इसके रूट्स जो है हेल्प करते हैं इसको वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो रूट्स, रूट पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल, ओके. सो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर प्लस मिनरल फ्रॉम सॉयल, ओके. सो रूट पार्ट जो है दे इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल. तो ये कैरी करता है, कैरी फॉरवर्ड करता है वो वाटर को और मिनरल्स को पहुंचाता है लीफ तक, किसकी हेल्प से, स्टेम की हेल्प से. सो यहाँ से सप्लाई होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ डॉट्स हैं, यहाँ से ये सप्लाई हो रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है, पत्तों तक पहुँच रहा है, लीव्स तक पहुँच रहा है. लीव्स टेक दैट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है वो एयर से ले रही है, वाटर जो है और मिनरल जो है वो सॉइल से ले रही है, किसकी हेल्प से, रूट और स्टेम की हेल्प से. और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है एयर से, वो एब्जॉर्ब कर रहा है थ्रू पोर्स, ओके. तो
एक लीफ के ऊपर जो है बहुत ही स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे, जिनको हम देख नहीं पाते हैं इजीली. ओके, तो बहुत ही छोटे छोटे होल होते हैं, उन पोर्स से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और उन पोर्स को जो है, पोर्स होते हैं लीफ के अंदर, उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा. क्या कहते हैं हम उन पोर्स को? स्टोमेटा. तो स्टोमेटा जो है हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए एयर से. देन वी कैन से द लीव्स एब्जॉर्ब और लीव्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू पोर्स, थ्रू दिस पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. अब जो है हमने अलग अलग फंक्शन देख लिए. स्टेम क्या करता है? पूरा मटेरियल को कैरी फॉरवर्ड करता है लीव्स तक. ठीक है, रूट्स का हमें फंक्शन पता चल गया. ब्रांचेस के थ्रू जो है वो जाता है, जो भी मटेरियल जाता है, मिनरल जाते हैं, वाटर जाता है, वो सारा यहाँ से स्टेम से ब्रांचेस से, ब्रांचेस से लीव्स तक जाता है. ओके, उसके बाद जो है फूड जो है प्रिपेयर किया जाता है लीव से, और जो भी फूड प्रिपेयर किया जाता है उसे हम ग्लूकोज कहते हैं. वो किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में होता है. सो फूड जो है फॉर्म जो उसकी होती है वो होती है ग्लूकोज फॉर्म. ये एक तरह का शुगर है. ग्लूकोज क्या है? एक तरह का शुगर है. ओके, तो ये जो ग्लूकोज है, ये जो शुगर है, इस ये चेंज हो जाता है किस में? फूड में. मींस ये जो फ्रूट है इसमें ये चेंज हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे स्टार्च. ओके, जो फूड स्टोर होता है या चेंज हो जाता है ग्लूकोज फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, उस फॉर्म को हम फाइनल फॉर्म को कहेंगे स्टार्च. तो फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विच चेंजेस इनटू द स्टार्च. ठीक है, तो ये पूरा एक फंक्शन है एक प्लांट का कि किस तरह से जो है इसमें फूड प्रिपेयर किया जाता है. और उस इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दिस प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस. फोटो, ये आपको इतना तो पता ही है, हमने थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लिया. फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट होता है, सिंथेसिस मींस टू पुट टुगेदर. फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड बाय द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सन एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एयर. अब हमें जो है ये प्लांट जो है इस प्रोसेस के थ्रू हमें क्या करता है? एक और चीज़ देता है जो यहाँ से हम कहते हैं एग्जिट होता है. इन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है और आउट क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हो रहा है. तो हमें यहाँ से ऑक्सीजन मिल रहा है. ओके, ऑक्सीजन मिल रहा है, फूड मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स और जो भी कोई भी वेजिटेबल्स और स्टार्च. ओके, तो ये एक पूरा प्रोसेस है एक प्लांट का. तो ये तो हो गई पार्ट्स ऑफ प्लांट. अब हम बात करते हैं प्लांट का जो पार्ट है लीफ, उसके डिफरेंट पार्ट्स की हम बात करते हैं, क्योंकि ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. इसका भी फंक्शन जो है वो हमें पता होना चाहिए. तो ये एक लीफ है, लीफ का स्ट्रक्चर आपको पता है. ओके, इसका जो फ्लैट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड. जो फ्लैट पार्ट होता है एक लीफ का उसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड. ओके, देन ये जो इसका मिड में एक आप देखते हैं, एक मिड में एक वेन होता है जो बहुत थिक वेन होता है, मेन वेन जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं मिड रिब. मिड रिब भी कहते हैं इसको, मेन वेन भी कहते हैं. इसका फंक्शन क्या है? ये एक डबल पाइपलाइन सेल है जिसमें क्या होता है, डबल पाइपलाइन है. इसका फंक्शन क्या होता है कि जो भी वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स से, जो रूट स्टेम के थ्रू जो लीफ तक भेजता है, तो वो इस मेन वेन के द्वारा, इसमें डबल पाइपलाइन होता है. एक पाइपलाइन से वो लीफ की तरफ को जाता है और दूसरी पाइपलाइन से जो भी फूड जो है एक लीफ द्वारा प्रिपेयर किया जाता है वो दूसरी पाइपलाइन से डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में जो है, एक प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचता है. ओके, तो ये मिड रिब है, मेन वेन भी इसे हम कहते हैं. यहाँ पे इस मेन वेन से बहुत सारी पैरेलल लाइंस निकली हुई हैं जिसको हम साइड वेन्स कहते हैं. ये साइड वेन जो हैं इनका भी क्या फंक्शन है? वो वाटर और मिनरल्स को कैरी करती हैं लीफ के डिफरेंट पार्ट में. ठीक है, और जो भी फूड प्रिपेयर किया जाता है एक लीफ के द्वारा उसको ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुँचाती हैं. ओके, पार्ट के डिफरेंट
सॉरी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो फूड को पहुंचाते हैं साइड वेंस। ये पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं पेटियोल। पेटियोल जो है जो भी स्टेम और स्टॉक का अटैचमेंट होता है उसको हम पेटियोल कहते हैं। यही पार्ट जो है एक लीफ को स्टेम के साथ अटैच करता है, इसलिए हम इस पार्ट को जो है क्या कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं और पेटियोल भी कहते हैं। ओके, देन मैंने आपको बताया था कि स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं लीफ के अंदर, बहुत छोटे छोटे होल होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, जो इस तरह के दिखते हैं। अगर हम उनको जूम आउट करेंगे, सॉरी जूम इन करेंगे, तो ये इस तरह के दिखेंगे। इन छोटे छोटे होल्स से जो है एक लीफ जो है वो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ब्रीथ इन करता है और ऑक्सीजन ब्रीथ आउट करता है, गिव्स आउट द ऑक्सीजन थ्रू दीज पोर्स ओनली। ओके, जो भी एक्स्ट्रा वाटर एक लीफ के अंदर होता है वो एक्स्ट्रा वाटर भी जो है इस इन पोर्स के द्वारा जो है बाहर आ जाता है। ओके, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये एक फंक्शन है लीफ का, इसके डिफरेंट पार्ट आपको पता होना चाहिए। फ्लैटन पार्ट को लीफ प्लेट कहते हैं, ये जो मेन वेन है, मिड वेन है, इसको मिड रिब कहते हैं, साथ के जो साइड में पैरेलल लाइंस हैं उनको साइड वेन्स कहते हैं। जो लीफ अटैच करता है स्टेम के साथ जिस पार्ट से, उसको हम पेटियोल कहते हैं और स्टॉक कहते हैं। और जो स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं एक लीफ के ऊपर, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ओके, तो इस तरह से जो है एक प्लांट के द्वारा जो है वो फूड प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द लीव्स, और लीव्स का फंक्शन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ओके, जो भी फूड जो है मैंने बताया आपको कि लीफ प्रिपेयर करता है, वो इन द फॉर्म ऑफ शुगर होता है, जो चेंज हो जाता है स्टार्च में। उसमें से कुछ पार्ट जो है फूड का वो प्लांट के द्वारा यूज़ किया जाता है ग्रो होने में। ओके, जो भी वो फूड प्रिपेयर करता है उसका एक हिस्सा जो है या कुछ हिस्सा जो है प्लांट अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। ठीक है, सम फूड इज़ यूज टू रिपेयर द डैमेज पार्ट। कई बार हम देखते हैं कि एक प्लांट में जो है कुछ एक उसके पार्ट डैमेज हो जाते हैं, कोई ब्रांचेस टूट जाती हैं या कुछ भी डैमेज उसमें हो जाता है, तो उसको उसकी रिपेयरिंग के लिए भी जो है वही फूड उसको हेल्प करता है जो भी उसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। सो सेकेंड यूज़ हो गया टू रिपेयर द डैमेज पार्ट। थर्ड है, जो भी फिर उसके बाद एक्स्ट्रा फूड बचता है, ओके, ग्रोथ के बाद और डैमेज पार्ट को ठीक करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बचता है फूड का, वो स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। उसको वो स्टोर कर लेता है किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हम देखते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा फूड होता है जो स्टार्च की फॉर्म में होता है, वो एक प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। कुछ एक ब्रांचेज में होता है, ठीक है, कुछ एक लीव्स में होता है, कुछ एक स्टेम्स में होता है, कुछ एक उसका रूट्स में भी होता है, कुछ एक फ्रूट्स की फॉर्म में होता है, और कुछ पार्ट जो है उसका सीड्स की फॉर्म में होता है। सो एक्स्ट्रा फूड इज़ स्टोर्ड बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ लीव्स, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट्स। द पार्ट्स आर रूट्स, स्टेम, देन फ्रूट्स, देन लीव्स, और फिर हम कह सकते हैं सीड्स। ओके, सो अगर हम बात करें कि जो एक्स्ट्रा फूड जो है अगर रूट की फॉर्म में है, तो इसका कोई एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो वो क्या है, अ रूट दैट वी ईट, और द रूट इन विच द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इज कैरेट। या फिर हम कह सकते हैं कैरेट एक एग्जांपल है जिसमें जो है एक्स्ट्रा फूड स्टोर किया जाता है रूट की फॉर्म में, और वो रूट हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, और वो है कैरेट। सेकेंड एग्जांपल हम ले सकते हैं एक स्टेम का, तो एक्स्ट्रा फूड जो स्टेम में स्टोर किया जाता है और जिसको हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, वो है शुगर केन। ओके, और फूड जहाँ पे लीव्स में स्टोर किया जाता है उस पार्ट को हम खाने में यूज़ करते हैं, वो पार्ट हो गया स्पिनेच का हो गया। पालक जो है, पालक के पत्ते हम यूज़ करते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड लीफ हो गया, उनको हम यूज़ करते हैं खाने में। तो इस तरह के जो भी पार्ट हम खाने में यूज़ करते हैं प्लांट का, मींस वहाँ पे उसका एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है, तभी तो हम उस पार्ट को यूज़ करते हैं। तो वो हमें एग्जाम्पल देने हैं कि कौन सा प्लांट्स में फूड जो है रूट्स में होता है, कौन सा लीव्स में होता है, कौन सा फ्रूट की फॉर्म में होता है। अगर हम एप्पल की बात करें तो जो एक्स्ट्रा फूड है वो फ्रूट की फॉर्म में है। अगर हम
ऑरेंज की बात करें तो वो भी फ्रूट की फॉर्म में है, अगर हम शुगर केन की बात करें तो वो स्टेम की फॉर्म में है, अगर हम कैरेट या फिर जिंजर की बात करें तो जिंजर जो है वो स्टेम में स्टोर होता है, मींस जिंजर जो है वो स्टेम पार्ट है, पोटैटो एक स्टेम पार्ट है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि जो पोटैटो के लीव्स होते हैं और जो उनके यंग स्टेम्स होते हैं वो एक पॉइजनस थिंग होती है, तो उसको हम उसके यंग फॉर्म में उसको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए एक पोटैटो को, ठीक है, दे आर लाइक अ पॉइजन। तो आज के इंपॉर्टेंट समरी पॉइंट जो हमने किए हैं, प्लांट प्रोवाइड अस फूड एंड ऑक्सीजन, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, ग्रीन लीव्स मेक फूड फ्रॉम वाटर मिनरल्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऑल प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, इन वेरियस पार्ट्स, द वेरियस पार्ट्स आर रूट्स स्टेम्स फ्रूट्स फ्लावर्स, ओके, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। सम फूड इज़ यूज फॉर इट्स ग्रोथ एंड सम इज़ ईटन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड सम इज़ यूज फॉर टू डैमेज रिपेयर द डैमेज पार्ट, ये भी हमने किया। द एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन टू द प्लांट्स एंड देन टू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स अकर थ्रू अ फूड चेन, ये हम जो भी सन की एनर्जी को हम लेते हैं तो एक फूड चेन की हेल्प से लेते हैं, जो सबसे पहले सन से प्लांट में जाता है, प्लांट्स से एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफ़र होता है। अ बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, तो ये चीज़ हमें बेसिक चीज़ है कि बैलेंस होना चाहिए, ना ही तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स होने चाहिए और एनिमल्स बहुत कम हो, ये भी एक बैलेंस नहीं होगा। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ। सो आई होप आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही बेसिक चीज़ की है हमने आज स्टार्टिंग से, कल हम इसके लिए कुछ नया करेंगे प्लांट्स का जो नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, और बहुत ही मतलब प्लांट्स के बारे में एक छोटी से छोटी चीज़ और एक नई से नई चीज़ जो आपको नहीं पता होगी वो सब आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगी, जो आपको हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रेपरेशन के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू।